राज का स्वागत है। कहिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? बस एक कमी रह गई। हाँ? जब महाराज आते हैं तो घर के नौकर चाकर इस तरह से पांव फैलाकर कुर्सी पर नहीं बैठते, बल्कि सर झुकाकर महल के बाहर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। और भूल गए रणवीर, कुछ दिनों के लिए सही, मगर तुम हमारे नौकर तो थे ही। हाँ? बहुत अच्छे। माटिया, 20 साल जंगलों में रहे हो लेकिन आज तक तेवर नहीं बदले। हाँ? अंदाज वही महाराजाओं के। ये तो खून की बात है, तुम भी तो 20 सालों से इन महलों में बैठे हो, मगर तुम कहां बदले, फिर भी रहे वही के वही घटिया छिछोरे मक्कार धोखेबाज। बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। हाँ? बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। हाँ? किस खून पर? उस खून पर जिससे बरसों पहले मैंने अपने हाथ धोए थे। हाँ? अगर तूने मेरे परिवार के खून से हाथ धोए थे तो मैं तेरे खून से अपने पांव धो लूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तूने मेरे परिवार के पीठ पे वार किया था और मैं तेरे सीने पे वार करूंगा। मेरे नन्हे भतीजे, जमाना आजकल सामने लड़कर मरने वालों का नहीं बल्कि मौका देखकर मारने वालों का है। मेरे बूढ़े फूफा, मैं भी मौके की ताक में ही तो हूं। एक बार अमीना भी मेरे हाथ लग जाए, फिर देख मैं कैसे तेरी ये गर्दन तेरे धड़ से अलग करता हूं। नानी, नानी ने कहा था। क्या कहा था? नानी ने कहा था कोहिनूर एक दिन आएगा और तुझे मारेगा। मुझे देखो, देखो, कोहिनूर आज मेरे। मेरे सामने खड़ा है और मुझे मारने की बातें भी कर रहा है। वारे मेरी किस्मत, लेकिन आज तकदीर को अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। ये रही अमीना भी, देख। अमीना भी देख, तेरा कोहिनूर आया है। Ha 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 ha